हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बनाएंगे छोले। छोले को हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था। यहाँ पे हमने 1.5 कप छोले लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। यहाँ पे हमने एक साफ कपड़े में एक तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, एक चम्मच चाय की पत्ती लेके उसकी एक पोटली बांध के उसको छोले के साथ प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हमने ये इसलिए किया है ताकि चाय से छोले में अच्छा कलर आ जाएगा और खड़े मसाले का खुशबू भी छोले के अंदर आ जाएगा। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। छोले में 1.5 टीस्पून नमक डाल के प्रेशर कुकर की लीड बंद करके उसको 5 सीटी आने तक मीडियम आंच में पकाएंगे। ये आप देख सकते हो, छोले अच्छे से पक गया है और चाय से इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम छोले का मसाला रेडी करेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें 1 टीस्पून जीरा डालना है। फिर 2 मीडियम साइज प्याज को फाइनली चॉप करके उसको अच्छे से भुनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनना है ताकि इसमें से अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए और मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज टमाटो का प्यूरी बनाया था। अब हम इसको मसाले के साथ अच्छे से 2 मिनट तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हो, हमारा मसाला कितने अच्छे से अब पक गया है। अब हम इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। अब एक कटोरी में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून छोले पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी आमचूर पाउडर डाल के उसका एक घोल बनाएंगे। यह आप देख सकते हो कितना अच्छा घोल बन गया है। अब हम इस घोल को मसाले के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला अब पूरा पक गया है। इसमें कितना अच्छा कलर भी आ गया है और ऑयल भी इसमें से सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई छोले डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को छोले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैश छोले। हमने पहले से थोड़े से बॉयल छोले को निकाल के रख दिया था, इसको मैश कर लिया है। अब हम इसको छोले में डाल देंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमें छोले को 5 मिनट तक मीडियम आंच में पकाना है। ये हमारा छोले अब रेडी हो गया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लिखिएगा आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।